हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर फिजिक्स के सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक का सॉल्यूशन डिस्कस किया था, और इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 35 तक के सॉल्यूशन को डिस्कस करूँगा। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। इफ ई सबस्क्रिप्ट ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए शॉर्ट डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन एंड ई सबस्क्रिप्ट स्मॉल ई दैट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट द सेम डिस्टेंस देन। आपके पास चार ऑप्शंस गिवन हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर जो होता है वो है के 2π/r³। आप के के प्लेस पे 1/4π ε₀ भी लिख सकते हैं जो कि यहाँ दिया हुआ है। और अगर आप इन पे लिखना चाहें तो ई स्मॉल ई इक्वल टू हो जाएगा के टू नॉट टू के इंटू पी अपॉन r³। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा e a दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स e e। दैट मीन्स कि एक्सियल लाइन के किसी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल पॉइंट के किसी इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका 2 टाइम्स होगा अगर दोनों डिस्टेंसेस सेम है। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन वेल। तो आपके पास दो कंडक्टर हैं और दोनों कंडक्टर में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन सेम है। सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे की तरफ होगा और इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विल बी। आपको पता है कि जो कैपेसिटेंस का यूनिट है वो होता है फराड। हालांकि फराड बड़ा यूनिट है इस वजह से माइक्रो फराड पिको फराड का यूज जनरली किया जाता है। सो राइट ऑप्शन इज द फराड। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिसमें कहा गया है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल आई व्हिच इज द करंट एनक्लोज्ड इन एम्पीरियल लूप। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए चार्ज क्यू इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट वेलोसिटी वी इज परपेंडिकुलर टू बी देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज। तो जो फोर्स है चार्ज पे लगने वाला जिसको आप मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं वो एक्सप्रेस किया जाता है क्यू वी बी थीटा से, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो चार्ज है मूविंग चार्ज वो परपेंडिकुलरली एंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मीन्स थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर 90 डिग्री गिवन है। सो अगर इस एक्सप्रेशन में थीटा 90 डिग्री अगर पुट करें तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसका एक्सप्रेशन आएगा क्यू वी इंटू बी, चूंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और इस वजह से ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स इज। सो लॉरेंज फोर्स इज बेसिकली द सम ऑफ इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स एंड मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से आपको पता होना चाहिए एफ अपॉन क्यू दैट इज इक्वल्स टू ई, और कन्वर्सली यू कैन से दैट ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, और यहाँ से आप लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई जो कि इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पे एफ ई लिख देता हूँ। इसी तरीके से अगर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की बात करें सो एफ एम इक्वल्स टू
अंडर ब्रैकेट वी क्रॉस बी, और जब इन दोनों एक्सप्रेशंस को आप ऐड कर देते हैं तो आपको टोटल लॉरेंज फोर्स मिलता है एफ, दैट इज इक्वल्स टू क्यू, जो कि कॉमन हो जाएगा, आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें ई, देन प्लस वी क्रॉस बी। और सेम एक्सप्रेशन ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, दैट इज वाई सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर? तो ये अर्थ है और अर्थ के लिए ये आपका इक्वेटर रहा। सो इक्वेटर जहाँ पर है वहाँ अगर हम उस सरफेस की अगर बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरीके से आएंगी। तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ डायरेक्शन है उसके साथ ये जो सरफेस है वो 0 डिग्री का एंगल बनाता है, जिसकी वजह से एंगल ऑफ डिप उस मैग्नेटिक इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी द ए। नेक्स्ट वन, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन साइड ए बार मैग्नेट। अगर आप एक बार मैग्नेट कंसिडर करते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो नॉर्थ पोल से बाहर जाती हुई लगती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट वही लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है और वापस उसी पहले वाली लाइन से मिल जाती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व्स होती हैं। सो इनसाइड द मैग्नेट वो जो लाइन है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ आर, जो मैग्नेटिक बिहेवियर है अर्थ का उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए तीन मैग्नेटिक एलिमेंट को डिफाइन किया गया है। वो सारे एलिमेंट्स हैं, पहला है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दूसरा एंगल ऑफ टिप, और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन, थ्री क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब्स मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट, ए 50 मिली हेनरी कॉइल कैरीज ए करेंट ऑफ 4 एम्पियर। सो हेनरी जो कि इंडक्टेंस का यूनिट है, सो एल इक्वल्स टू गिवन है 50 मिली हेनरी, जिसको आप हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए 10^-3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वो हेनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। करंट का वैल्यू दिया हुआ है आई इक्वल टू 4 एम्पियर, और आपको फाइंड करना है उस कॉइल में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है। सो जो एनर्जी स्टोर हुई है, मैग्नेटिक एनर्जी यू एम को आप लिख सकते हैं हाफ एल आई स्क्वायर। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू यू विल गेट हाफ इंटू एल के प्लेस पे आप, मैं यहाँ पे 50 × 10^-3 को सॉल्व करके 5 × 10^-2 लिख दे रहा हूँ, और इंटू 4 × 4 = 16, जैसा कि आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं, और फाइनली सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 0.4 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज फाउंड बाय। देखिए, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी कॉइल में, जब किसी मैग्नेट को आप उसकी तरफ लेकर के आते हैं, तो वो ईएमएफ इस वजह से इंड्यूस होता है क्योंकि जो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने वाला फैक्टर है उसको वो अपोज कर सके। कुछ इस तरीके से अगर किसी आप मैग्नेट को इसकी तरफ लाते हैं तो इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा और वो करंट को सेटअप करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो दैट कि इसके सामने वाले फेस में नॉर्थ पोल डेवलप करे, और वो नॉर्थ पोल सामने आते हुए मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपल करेगा ताकि इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ना हो। तो ये जो पोलैरिटी वाली बात है वो लेंजेस लॉ डिस्कस करता है, इसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, लेंजेस लॉ। नेक्स्ट,
ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. ए प्रोटॉन, ए न्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज. कंपेयर द रेडियाई ऑफ देयर पाथ्स व्हेन ए नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड. आपने साइक्लोट्रॉन थ्योरी में पढ़ा होगा कि जब किसी पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करने की बात होती है तो साइक्लोट्रॉन उसके लिए यूज़ करते हैं, और विद इन साइक्लोट्रॉन जब कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो एक सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर मैनर में मूवमेंट करता है. तो उस पाथ के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स है उसके लिए अगर फॉर्मूला आप mv² / r लिखते हैं, तो वो सेंट्रिपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के कारण डेवलप होता है, जिसके लिए आप qvb लिख सकते हैं. दोनों साइड से अगर v को कैंसिल कर दिया जाए तो आप फाइनली आपको r इक्वल टू मिलेगा mv/qv. तो ये फॉर्मूला है रेडियाई का, रेडियस का. तो इसी तीनों पार्टिकल्स के, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का जो रेडियस बनेगा, जो रेडियस फॉर्म करेगा, उनका रेशियो आपको फाइंड करना है. तो उससे पहले आपको बता दें कि जो मास है न्यूट्रॉन का वो 2 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन्स के, वहीं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के. उसी तरीके से अगर चार्ज के बारे में डिस्कस करें तो चार्ज न्यूट्रॉन का जो होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है, और अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो 2 टाइम्स होता है चार्ज ऑफ दैट प्रोटॉन. नाउ काइनेटिक एनर्जी की बात की करी गई है कि जो काइनेटिक एनर्जीज है तीनों पार्टिकल का वो इक्वल है. सो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू आप लिख सकते हैं ½mv², वहां से वी इक्वल टू आप लिख पाएंगे √2k/m. अब आपने ये जो एक्सप्रेशन फाइंड किया है रेडियस का, वहां पे राइट साइड में जो वी का टर्म है उस वी के प्लेस पे आप इस वैल्यू को रख देंगे तो आपको देखो फर्स्ट वाला जो यहाँ एक्सप्रेशन है r = mv/qb, तो उससे r = m/qb √2k/m आ जाएगा v के प्लेस पे वैल्यू पुट करने से. और फाइनली आप r = यहाँ पे लिख पाएंगे √2mk/qb. अब ये कॉमन एक्सप्रेशन हो गया रेडियस का. तो आप इससे प्रोटॉन के लिए पहले लिख लें, देन आप न्यूट्रॉन के लिए लिख लें, और देन अल्फा पार्टिकल के लिए लिख लें. जब आप प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए सॉल्व करेंगे रेशियो के लिए तो आपको मिलेगा 1/√2, सिंपल सॉल्व किया हुआ है. और जब आप प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के रेडियस को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपको रेशियो मिलेगा 1:1. सो फाइनल रेशियो विल बी 1:√1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है. नेक्स्ट, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू ए लॉन्ग वायर विच हैज सेमी सर्कुलर लूप ऑफ ए रेडियस 20 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज. सो इस लूप में जो सेंटर है उस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट लॉ आप लिख सकते हैं b = μ0i/4r. पुट करते हैं म्यू नॉट के वैल्यू को यहाँ पर 4π × 10⁻¹. करेंट का वैल्यू गिवन है 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय 4 × आर के प्लेस पे गिवन है 20 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया 20 × 10⁻², लिखकर. सो बी इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में आएगा b = π × 10⁻¹. देखो मैंने 4 से 4 कैंसिल किया है, × 10 × 100. ये जो 100 है वो 10⁻², जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा था उसे मैंने न्यूमरेटर में रखा है. सो 100 और 25 100 हो जाएगा. फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे सो 5π × 10⁻⁶ टेस्ला आएगा, और 10⁻⁶ टेस्ला को आप 1 माइक्रो टेस्ला भी लिख सकते हैं. आप जब मॉडल क्वेश्चन पेपर के ऑप्शंस को वॉच करेंगे तो वहाँ पे 5π और माइक्रो टेस्ला बहुत करीब लिखा गया है. सो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 5π है, माइक्रो टेस्ला अलग है. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करेंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज इन अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स एज शोन इन फिगर. द पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB विल बी. तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि जो मेन वायर है उससे 2 एम्पियर का करंट तो पास हो रहा है, लेकिन पॉइंट डी पर, ये जो पॉइंट डी आप देख पा रहे हैं वहां, उस पॉइंट डी पर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है. तो अब दोनों पार्ट से कितना करंट पास हो रहा है वो आपको फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम ये देख लें
कि जो हमारा आर्म डीएसी है, आर्म डीएसी में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो मैं आर लिखता हूँ, फर्स्ट आर्म लिख रहा हूँ, या डीएसी आप जिसको एज्यूम कर सकते हैं। तो उसमें रेजिस्टेंस चूंकि सीरीज में है, सो 2 + 3 दैट मीन्स 5 ओम हो जाएगा। वहीं दूसरा जो आर्म है उसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो 3 + 2 दैट मीन्स ये भी 5 ओम हो जाएगा। मतलब दोनों जो आर्म है उसमें इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो 2 एम्पियर का करंट है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स 1 एम्पियर का करंट जो है वो DAC वाले पार्ट से फ्लो करेगा, जबकि 1 एम्पियर का करंट दूसरे वाले DBC पार्ट से फ्लो करेगा। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने की ओर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा VD - VA, उसको आप लिख सकते हैं करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट उससे 1 एम्पियर का जो कि हमने फाइंड किया है, सो 1 × 2 एम्पियर का 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ अवेलेबल है, सो 1 × 2 दैट मीन्स 2 वोल्ट। नेक्स्ट आप फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड बी, सो VD - VB इक्वल टू हो जाएगा 1 एम्पियर का जो ये करंट दूसरे वाले पोर्शन से जा रहा है इंटू 3 ओम का रेजिस्टेंस DB के बीच में है, सो 3 वोल्ट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन दोनों को आपस में जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा VA - VB, और फाइनली आपको मिलेगा +1 वोल्ट जस्ट आफ्टर सॉल्विंग, सो बी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट वन। नेक्स्ट, व्हाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड्स ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंसेस। सो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर करता है बिकॉज ये नल मेथड को यूज करता है, नल डिफ्लेक्शन मेथड को यूज करता है। जब आप बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर को देखेंगे तो वो 0 पॉइंट को डिनोट करेगा, इंडिकेट करेगा। और एक दूसरी बात यह है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका जो बैलेंस कंडीशन है उस समय ये जो करंट सप्लाई होता है, दैट मीन्स जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस कंडीशन है वो इंडिपेंडेंट होता है करंट सप्लाइड ऑफ बाय दिस सेल के, और दूसरा कि जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का वो भी इफेक्टिव नहीं होता है, साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल वो भी इफेक्टिव नहीं होता है। ये प्योरली नल मेथड पे एप्लीकेबल है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड द रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। 3 इक्वल कैपेसिटर्स ईच विथ कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। जब आप ध्यान से इस सर्किट को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि तीनों कैपेसिटर्स का एक प्लेट एक एंड से कनेक्टेड है, जबकि दूसरा जो प्लेट है वो दूसरे एंड से कनेक्टेड है। सो इसका जो आप इक्विवेलेंट सर्किट आप इस तरीके से बना सकते हैं, और आपको पता चलेगा कि ये तीनों पैरेलल कंडीशंस में हैं। सो अगर कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्टेड हो तो उनके लिए आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख सकते हैं C1 + C2 + C3, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों का जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल है, दैट मीन्स C + C + C। फाइनली आपको मिलेगा 3C जो कि बी नंबर ऑप्शन में है, सो बी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन द बेसिक CsCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर Cs+ and Cl- आयंस आर अरेंज्ड इन BCC कॉन्फ़िगरेशन एज शोन इन द फिगर। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय 8 Cs+ आयन ऑन द Cl आयन इज। सो देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो गिवन क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो बेस सेंटर्ड क्यूब है। बेस सेंटर्ड क्यूब कहने का मतलब हुआ कि जो Cl- आयन है वो सेंटर पे है, और बाकी के जितने Cs+ आयन्स हैं वो इस क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे अवेलेबल हैं, जो कि इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं। सो कूलॉम्ब लॉ के अकॉर्डिंग इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा F = K, आपको मालूम है K × K Q1 Q2 / R2। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो चार्जेस हैं वो हर जगह पे ये तो इक्वल आएंगे, एक जगह पे Cl- आएगा तो दूसरे जगह पे Cs+ आएगा, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पर इक्वल होगा। दैट मीन्स ऑल अराउंड जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे Cl- पर ड्यू टू Cs+ आयंस,
दे ऑल आर इक्वल टू ईच अदर, और ऑपोजिट साइड से वो दोनों डायगोनली एक दूसरे को कैंसल करेंगे, और इस वजह से जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा या नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा एग्जर्टेड बाय 8 Cs प्लस आयन ऑन द Cl माइनस आयन इज जीरो. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस. So, as the electric line of force are directed from the point of higher potential to that of lower potential, so therefore electric field lines and hence electric field at each point of equipotential surface is perpendicular to the surface. अगर मान लेते हैं कि आप एक surface consider करते हैं जो कि equipotential surface है, तो जितने भी electric field vectors हैं वो normally होंगे इस surface पर, और इस वजह से आप कह सकते हो कि जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का वो 90 डिग्री होगा हमेशा. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन. नेक्स्ट, व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड विथ इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स ए क्लोज्ड कॉइल द नियरर एंड ऑफ द कॉइल एक्ट्स एज. सो इसके बारे में पहले ही किसी क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग जब ये मैग्नेट इस क्लोज्ड सर्कुलर कॉइल की तरफ मूव करेगा तो इस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएगा, और इस फ्लक्स में होने वाले चेंज का अपोज करने के लिए ये जो क्लोज्ड सर्किट है वो अपने आप में एक ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का जनरेशन करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो दैट कि मैग्नेट के सामने वाले फेस में नॉर्थ पोल क्रिएट कर सके, और इस नॉर्थ पोल के क्रिएशन के कारण इस मैग्नेट को वो आगे जाने से रोकेगा. सो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो मैग्नेट के नियरर एंड पे है कौन सा पोल क्रिएट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट वन है, दैट मीन्स नॉर्थ पोल. सो ये इस पूरे मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन है जो कि डिटेल में डिस्कस किया गया. नेक्स्ट वाले मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन है डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा. इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि इसका पूरा बेनिफिट आपको मिल सके. तो आज के लिए इतना ही. जय हिंद.